हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस से आ चुका हूँ और एक शानदार वीडियो लेकर। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना है। और चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। और आज आप लोगों को देने वाला हो एपिक मैक्स का मैजिक बुलेट ओवी फाइल। और ये जो ओवी फाइल है आप लोग मेन आईडी में खेल सकते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ, खेल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा, सेटअप वीडियो देखनी पड़ेगी, तो ही आप लोग अच्छे से गेम को खेल सकते हैं। और आप लोगों का आईडी भी ब्लैक लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होंगी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक ओवी फाइल है, लेकिन आप लोग हर दिन कॉन्फिग फाइल को यूज़ करोगे तो उसमें भी दिक्कत आता है, लेकिन इसमें भी दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा दिक्कत नहीं आएगी जो आप लोगों को रिपोर्ट नहीं देगी, तो आप लोगों का आईडी ब्लैक लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन एक दिन से ज़्यादा मत खेला करो, ये एक मैजिक बुलेट है और मैजिक बुलेट कोई भी बंदे को आसानी से मार सकता है, ठीक है? इसीलिए आप लोगों को सभी को कहता हूँ, एक दिन से ज़्यादा मत यूज़ करो और रिपोर्ट से बचना है। जो मान लो आप लोग बी आर रैंक खेल रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा किल कर रहे हो और जो बंदे को किल कर रहे हो उन बंदे आपको दिख रही है, तो समझ लो आप लोग ऐसे गेम प्ले ना करें कि उन लोगों को पता नहीं पाए कि आप एक हैकर हो। इसीलिए आप लोग उन लोगों को पता चल गया तो आप हैकर है तो आपको रिपोर्ट दे देगी, बाद में आप लोगों का आईडी रिव्यू में चला जाएगा, उसके बाद आप लोगों का आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर हीरोइक में जब खेलते हो उसमें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट पड़ता है, इसलिए आप लोग हीरोइक में जब जाओगे उस टाइम आप लोगों को इतना ज़्यादा किल मत करो, रैंक कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पता चल जाएगा किधर एनिमी है, किधर ये है, सब कुछ है। आप लोग में पास से ज़्यादा मत किल करो, हीरोइक में जब होते हो उसमें ज़्यादा किल करोगे तो आपको हैकर समझने लगेगी और ग्लोबल हार्पर मार सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एम ई टू भी चलाओगे तो बहुत ही अच्छी फील होगी और कोई भी आपको हैकर नहीं समझिए, ठीक है? और ये जो फाइल है, फाइल के अंदर आप लोगों को पासवर्ड नहीं देखने के लिए मिलेगी, आप लोग डाउनलोड करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जो लोगों को कैसे यूज़ करना है नहीं पता होगा, उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग सेटअप वीडियो देख लेना, और उसको नहीं देखोगे बाद में आप लोगों को आईडी में भी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है गाइस? और एक चीज़ आप लोगों को कह देता हूँ, ये जो ओवी फाइल है, बहुत बंदे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे डिवाइस में सपोर्ट नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन क्यों नहीं वर्क कर रहा है, मैं छोटे से क्लिप आप लोगों को देखाता हूँ, ठीक है? ये एक जेट अच्छी बार एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप लोगों को सेटअप करना सिखाऊंगा कि आप लोग ओवी फाइल नहीं वर्क कर रहा है तो आप लोग क्या करोगे। मैं जो फाइल आप लोगों को दे रही हूँ उस फाइल से आपका डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा है तो क्या करना है, मैं सिंपल से आप लोगों को दिखाऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसमें बहुत ही सिंपल सेटअप है, आप लोग देखते रहना, ठीक है? सबसे पहले आप लोग इंस्टा कर लेना मैं जो ओवी फाइल को दे रखा था, और ओवी के अंदर चला जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंड्रॉइड फोल्डर में चला जाते हैं, उसके बाद ओवी फोल्डर में आप लोगों को दिखाई दे रही है ओवी फोल्डर, इसमें क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कॉम डॉट डी फ्री फायर मैक्स का फोल्डर, इसमें ओरिजिनल मैक्स का ओवी भी रहता है। और यही पे आप लोगों को मेरा जो ओवी फाइल है मैजिक बुलेट है इसके अंदर पेश करना पड़ेगा। तो सिंपल से इसमें क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी पेश हुआ है, ये है मैजिक बुलेट ओवी फाइल। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप लोग, जो मेन ओवी भी है तो 20 से 75 तक मैंने जो फाइल दे रखा हो सेम है कि नहीं सेम है, नहीं सेम है ना। यहाँ पे देखो 77 है लास्ट में, जो मैंने मैजिक बुलेट दे रखा, तो इसमें 77 है, देख सकते हैं लास्ट में 20 से 4077 है। तो यहाँ पे सेम नहीं है, इसीलिए क्या करना है, इसको रीनेम करना पड़ेगा। जो मेन ओवी पे है उसकी तरह सेम नंबर रखना होगा, तो ही आपका
वो भी फाइल काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। ठीक है, मैं तो मैं इसको रीनेम करना पड़ेगी। रीनेम करो, देखो यहाँ पे 77 है, इसको हटा के 75 कर देता हूँ। जो मेन ओ वी है उसकी तरह सेम रखना पड़ेगा, तो ही आपका काम होगी। ठीक है, यहाँ पे सेम हो चुका है। अभी करना क्या है, गेम खेलोगे तो इसको यहाँ से रिमूव कर देना, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी। इसको यहाँ पे कट करके अदर्स फोल्डर में पेस्ट करके रखना पड़ेगा। मेरा ओल्ड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप लोग गेम को खेलो, उसके बाद यहाँ पे फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी मैच लगाना पड़ेगा, जो मैच आप लोग खेलना चाहते हो मैच को स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बैकग्राउंड से रिमूव कर देना गेम को, उसके बाद यहाँ पे फिर से आप लोग पेस्ट कर देना। ठीक है, लेकिन 120 से 475 तक सेम होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का काम नहीं करेगी। तो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। एक बार में नहीं समझ आया तो दो बार देख लेना। ठीक है।